Mention the important considerations required while fabricating a PN junction diode to be used as light emitting diode. Important condition kya? The band gap should be such between conduction band and valence band. Conduction band and valence band. The band gap should be such that the energy, sorry, that the wavelength corresponding to this energy, band gap energy hoti, theek hai na, corresponding to this energy lies in the region of visible spectrum. ठीक है, तो मतलब कितना विजिबल स्पेक्ट्रम, यानी कि लैम्डा जो है वो 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में ही आपको कलर दिख पाएगा. तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी डेल्टा ई, वो होगी एच सी बाय 3800 जूल. ठीक है, ऐसे लिख लो डेल्टा ई और एच सी बाय 7800 जूल. इस एनर्जी बैंड गैप, इस एनर्जी के बीच में लाया करना चाहिए, तब कलर दिखेगा. ठीक है, व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ द बैंड गैप ऑफ एन एलईडी इफ इट इज रिक्वायर्ड टू एमिट लाइट इन द विजिबल रेंज. तो ये पूछ भी लिया इन लोगों ने, तो अब निकालना ही पड़ेगा एनर्जी का बैंड गैप पार्ट टू इसका. वी हैव एच सी बाय 7.8 10 की पावर माइनस 7 और एच सी सॉल्व करना, ये एंगस्ट्रॉम था इसलिए मैं ऐसे सॉल्व कर दिया है, 6.62 10 की पावर माइनस 34 3 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 7.8 10 की पावर माइनस 7. ये अप्रॉक्सीमेटली तीन चला जाएगा, ढाई बार 2.5 × 15 और माइनस 19. फिर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहें तो डिवाइड बाय 1.6 अपॉन 1.6 10 की पावर माइनस 19, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 टाइम्स जाएगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया. ठीक है, और इसका निकालना 3800 वाले का, तो बस ये देख लो कि ये ऑलमोस्ट डबल है इसका, ये डबल है तो फिर ये आधा आंसर हो जाएगा ना. तो हम कह सकते हैं कि सॉल्व करने जाए तो आधी, दिस विल बिकम हाफ ऑफ दिस बिकॉज दिस इज डबल, सॉरी दिस इज हाफ, 3800 इज हैज बिकम हाफ ऑफ 1700 ऑलमोस्ट. एग्जैक्टली तो नहीं कहेंगे, एग्जैक्टली 7600 होगा, एक आइडिया रफ आइडिया ले लेते हैं. तो इसकी वजह से होगा आंसर डबल आ जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है. तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस शुड बी द राइट आंसर. ठीक है,